नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आईटी विद सोनिया राजपूत। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप विजडम शेयर का स्मार्ट क्लाउड टीवी यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरनेट कनेक्शन के बगैर अपने मोबाइल को इस टीवी पर किस तरह से मिरर कर सकते हैं, यानी अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी की बड़ी स्क्रीन पर किस तरह से देख सकते हैं। वैसे आपको आइडिया होगा कि मोबाइल स्क्रीन को टीवी पर मिरर करने के लिए ज़रूरी है कि मोबाइल और टीवी एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हों। बट समटाइम ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं आ रहा या मोबाइल में नेट का पैकेज नहीं है, तो इस सूरत में ये मेथड बहुत ही यूज़फुल रहता है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन को आपको टीवी पर शेयर करने का फ़ायदा क्या होगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने मोबाइल में मौजूद किसी भी वीडियो, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट या गेम को टीवी की बड़ी स्क्रीन पर इंजॉय कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ को अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन को इंटरनेट के बगैर टीवी पर मिरर करने के लिए मुझे एक ऐप की ज़रूरत है जिसका नाम है ई शेयर सर्वर। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो भी हो रही है, ये मेरे टीवी में पहले से इंस्टॉल थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ऐप की क्लाइंट ऐप को मैंने अपने मोबाइल पर कैसे इंस्टॉल किया तो इस पर ऑलरेडी एक डिटेल में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे क्लिक करके आप इस वीडियो को वॉच कर पाएंगे। मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पर मिरर करने के लिए मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है और ये सेटिंग्स मोबाइल और टीवी दोनों पर करनी है। पहले मैं ये सेटिंग्स कर लेती हूँ अपने मोबाइल पर। यहाँ से मैं सेटिंग्स को ओपन करती हूँ और सेटिंग्स को ओपन करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई के सामने नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बल्कि यहाँ से मैं इसको ऑफ़ ही कर देती हूँ। वाईफाई के कनेक्शन को मैं यहाँ से ऑफ़ कर देती हूँ, बैक। और इसके बाद वाईफाई के नीचे है हॉटस्पॉट एंड थटरिंग, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। और पर्सनल हॉटस्पॉट, इसको मैं क्लिक करूँगी। अगेन पर्सनल हॉटस्पॉट को मैं क्लिक करूंगी ताकि ये इनेबल हो जाए। और उसके बाद हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाती हूँ। सबसे ऊपर है हॉटस्पॉट नेम, यानी मेरे मोबाइल का नेम लिखा हुआ है। और उसके बाद है हॉटस्पॉट पासवर्ड, इसको मैं ओपन करके देख लेती हूँ क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अगर आपको यहाँ से इसको चेंज करना आप कर सकते हैं, मैं इसको यही रहने दूँगी। ओके कर रही हूँ। बस ये सेटिंग्स करनी थी मुझे अपने फ़ोन में और अब बाकी की सेटिंग्स करनी है मुझे अपने टीवी में। यहाँ से मैं एग्ज़िट हो जाती हूँ। और अब चलते हैं टीवी की स्क्रीन पर। यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे आप देख सकते हैं कि वाईफाई के साइन के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, यानी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि टीवी के ऊपर वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। और अब मैं इसकी जो सेटिंग्स करनी है उसको ओपन करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ से मैं लेफ़्ट एरो की को प्रेस करते हुए लेफ़्ट साइड पे जाऊँगी, अगेन लेफ़्ट। और यहाँ पे मुझे नेटवर्क की ऑप्शन शो हो रही है, तो इसमें एंटर होने के लिए मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे है वायरलेस, और वायरलेस के आगे आ रहा है डिसकनेक्टेड, यानी जो भी टीवी को इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ था वो डिसकनेक्टेड है। तो मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर चुकी हूँ और उसके ऊपर इंटरनेट ऑफ है, उसके बावजूद ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए मैं डाउन एरो की को प्रेस करते हुए वायरलेस पे जाऊँगी और एंटर का बटन प्रेस करूँगी। तो टेक्नो स्पार्क 6 जो कि मेरे टीवी का हॉटस्पॉट है, इसको मैं यहाँ से ओपन करने के लिए एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। और अब मुझे यहाँ पर अपने हॉटस्पॉट का, जो कि मेरे मोबाइल टेक्नो स्पार्क 6 का हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, वो यहाँ पर एंटर करना है। और वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और उसके बाद यहाँ से मैं डन कर रही हूँ और डाउन एरो की को प्रेस करते हुए ओके पे आ गई। और अब मैं यहाँ से एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, टेक्नो स्पार्क 6 अब इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ, अगेन एग्जिट। इस दौरान आप मेरे फ़ोन पे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे वाईफाई डिसकनेक्टेड ही आ रहा है, यानी मैंने अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है।
और इसके साथ ही साथ मुझे अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप की ज़रूरत है जो कि है ई शेयर क्लाइंट, और वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। जब आप ई शेयर सर्वर को टीवी से पे इंस्टॉल करेंगे तो इस ऐप को मैंने, ये जो टीवी के ऊपर ई शेयर सर्वर शो हो रहा है, इसके क्यूआर कोड को ओपन किया था तो ये मेरे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो गई थी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मैंने अपने मोबाइल में इस ऐप को किस तरह से इंस्टॉल किया है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो को बहुत ही डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ कि इस ऐप को ना सिर्फ मोबाइल पे इंस्टॉल किस तरह से करना है बल्कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। आप इस ऐप को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल को टीवी पर मिरर कर सकते हैं और अपने मोबाइल को इस टीवी का रिमोट भी बना सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने इस वीडियो को अपलोड कर रखा है, आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप इजीली इस वीडियो को वॉच कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आप इस ऐप से अपने मोबाइल को इंटरनेट के बगैर किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं अपने मोबाइल के ऊपर से इस ई शेयर ऐप को ओपन कर रही हूँ और नीचे है मिरर, मिरर को मैं क्लिक कर रही हूँ। स्टार्ट नाउ, ये देखिए टीवी के ऊपर बिल्कुल वही शो हो रहा है जो कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। और अब मैं अपने मोबाइल से जिस भी ऐप को ओपन करूँगी वो ऐप यहाँ पे टीवी पे मुझे शो होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटर को ओपन करती हूँ तो देखिए मेरे टीवी के ऊपर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। एग्जिट हो जाती हूँ तो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी हम इसे एग्जिट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी गैलरी को ओपन कर लेती हूँ तो गैलरी में मैं जिस भी वीडियो को प्ले करूँगी वो यहाँ पे प्ले होने लग जाएगी। इसी तरह आपके मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, जो भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करेंगे वो यहाँ पे सामने टीवी की स्क्रीन पर शो होने लग जाएगी। कोई म्यूजिक होगा या अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर किसी गेम को प्ले कर रहे हैं तो आप उसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर इंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इंटरनेट की यूजेज को भी बचाएगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।